वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को नफरती भाषण मामले में 3 साल की सजा होने और उसके बाद उनकी विदायगी जाने के बाद पूर्व सांसद जयप्रदा ने उन पर तीखा हमला बोला है। रामपुर से समाजवादी पार्टी की टिकट पर 2 बार सांसद रह चुकी मशहूर फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा ने आजम की सजा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजम को अपनी करनी की सजा मिली है। मीडिया को जारी लिखित बयान में जयप्रदा ने कहा है कि राजनीति में एक दूसरी पार्टी के प्रति मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन सत्ता का घमंड इतना भी नहीं होना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करना भूल जाएं और गरीब मजलूमों के साथ बेइंतहा नाइंसाफी करने लगे। कोई कितना ही बड़ा इंसान क्यों न हो, उसका घमंड एक दिन जरूर टूटता है। आज आजम खां का घमंड टूटा है और उनके घमंड की वजह से ही आज है दिन उनको देखना पड़ रहा है। जयप्रदा ने आगे कहा कि जब वह 2019 में रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तब आजम खान ने उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां कर अपमानित किया था। इसे लेकर उन्हें बहुत पीड़ा हुई थी। आज भी उस वक्त को याद करती हैं तो सहर उठती हैं। यदि आजम खान ने उस समय अपने किए पर पश्चाताप किया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। जयप्रदा ने कहा कि न्यायालय ने आजम खान को सजा देकर महिलाओं, मजलूमों और अधिकारियों के प्रति बदजुबानी करने वाले नेताओं को भी सीख दी है, जिससे भविष्य में भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले भाषण जैसे गंभीर मामले सामने न आए। यहाँ बता दें कि समाजवादी पार्टी में रहने के दौरान अमर सिंह और जयप्रदा से आजम खां की कभी पटरी नहीं खाती थी। 2004 में आजम ने जयप्रदा को पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया था तो वह रामपुर से सपा की टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर सदन में पहुंची थी। इसके बाद 2009 में आजम ने जयप्रदा का विरोध किया था। हालांकि उस वक्त भी सपा उम्मीदवार के तौर पर जयप्रदा ने रामपुर में जीत का झंडा फहराया था। 2014 के चुनाव में वह सपा छोड़ रालोद की टिकट पर बिजनौर से मैदान में उतरी, मगर बुरी तरह शिकस्त खा बैठी थी। 2019 के चुनाव से पहले जयप्रदा ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी और भाजपा उम्मीदवार के तौर पर रामपुर से किस्मत आजमाई थी। हालांकि इस बार रामपुर की जनता ने जयप्रदा की जगह आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा को जीत दिलाई थी। आजम और जयप्रदा का राजनीतिक विरोध कई बार चुनावी मंचों से बहुत तीखे बयानों में बदलता देखा जाता था। नफरती भाषण मामले में आजम को सजा होने पर जयप्रदा ने तीखे अंदाज में उन पर जुबानी हमला बोला है।